22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो चुका है। बुधवार यानी 28 जुलाई को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें भारतीयों का जलवा दिखा। इस सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने किया। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ध्वजवाहक रहीं। उनके बाद दूसरे ध्वजवाहक टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने वाले मनप्रीत सिंह रहे। इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 30,000 दर्शकों की मौजूदगी रही। अब 11 दिनों तक दुनिया के 72 देशों के 5,000 से ज्यादा एथलीट जलवा दिखाते नजर आएंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 213 खिलाड़ी 16 खेलों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि भारत 18वीं बार इस खेल में भाग ले रहा है। देश के खिलाड़ियों ने 1930, 1950, 1962 और 1986 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। परेड में जैसे ही भारतीय दल को आवाज दी गई, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों को जोरदार तरीके से स्वागत किया। ओपनिंग सेरेमनी में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक रहे। नीरज चोपड़ा के चोटिल होने के कारण पीवी सिंधु ध्वजवाहक बनी। सिंधु दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई स्टेडियम पहुंची। पाकिस्तान में गोली लगने के बाद मलाला का इलाज बर्मिंघम में किया गया था। ऐसे में उनके लिए ये पल बेहद इमोशनल था। कॉमनवेल्थ ओपनिंग सेरेमनी को इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स ने संबोधित किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो चुका है और ये 8 अगस्त तक चलेगा। इस विशाल खेल आयोजन में लगभग 72 देशों के 5,000 से ज्यादा एथलीट ने भाग लिया है। भारत की ओर से 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जो धमाल मचाने के लिए तैयार है। पिछली बार 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।